किसी भी चीज़ का अगर सॉल्यूशन ढूंढना है तो उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो आज मैं एक ऐसी सीरीज़ लेकर आया हूँ जो आपको मदद करेगी आपका बेली फैट लूज़ करने में भी, और आपको मदद करेगी कि आप पूरे साल तक लीन रह पाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि वो फैट बार बार है ना वापस आ जाता है। लेकिन आप लोगों को इसमें बहुत सारे वीडियोज़ बन चुके हैं यार, हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करनी है, लेस फैट खाना है, हाई प्रोटीन पीना है, तो ये सारी चीज़ों को हम साइड में रखेंगे, बहुत सारे अलग वीडियोस में मिल जाएगा। और मेरे चैनल में भी अगर आप नीचे और स्क्रॉल करते जाओगे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पर टैप करना चाहता हूँ जो आपको बाकी सारे चैनल्स पर नहीं मिलेंगे। तो सबसे नंबर वन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करना होगा फास्टिंग मेथड को। आप लोगों ने सुना होगा कि आपकी मम्मी ने आज फास्टिंग रखी है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने फास्टिंग रखी है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एटलीस्ट वंस इन अ वीक स्टार्ट फास्टिंग, हैव ओनली वन मील अ डे। वो वाला फास्ट नहीं जो आपकी मम्मी कर रही होगी। अगर आपकी मम्मी ये कर रही है कि फ्रूट्स पूरे दिन खा रही है और रात को पता नहीं कोई तो साबूदाने की खिचड़ी ये सब खा रही है, मैंने करते हुए देखा है लोगों को, वैसा फास्टिंग नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मील खाना है पूरे डे में, तो हफ्ते में एक दिन ऐसे करना है। मैं जानता हूँ कि अगर आप फास्टिंग से यूज टू नहीं हो तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं एक छोटा सा आपको लॉजिक बताता हूँ उसके पीछे। हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, आपको भूख लगेगी लेकिन दो घंटे तक आपका क्या है ना, हंगर का हार्मोन होता है, एक हंगर हार्मोन, वो आपका एकदम स्पाइक कर जाएगा, एकदम ऊपर चला जाएगा। लेकिन दो घंटा या तो किसी किसी लोगों में तीन घंटा आपने वो भूख को कंट्रोल कर दिया ना, तो आपका वापस से हार्मोन नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। तो ये आपको उसी दिन के लिए नहीं, ये आपको आगे जाके भी मदद करेगा। आप जब भी भूखे रहोगे, ट्रस्ट मी, अगर आपको एकदम हंग्री फील हो रहा होगा, आप ये चीज़ फॉलो करोगे, आप ये दिमाग में रखोगे बस यार दो ही घंटे की तो बात है, तो आपको मदद करेगा कि आपको उस हंगर के हार्मोन से कोप अप कैसे करना है। तो सबसे नंबर वन, फास्टिंग इंट्रोड्यूस करो अपने लाइफ में, क्योंकि ये आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एकदम जूम पे लेके जाता है। आपका इम्यून सिस्टम जो आज की डेट में नेसेसरी है, जो लॉकडाउन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका इम्यून सिस्टम वो आपका स्ट्रॉन्ग करेगा। और थर्ड, जो सब आप ये वीडियो देख रहे हो कि फैट लॉस में मदद करेगा, तो नंबर वन तो ये हो गया। नंबर सेकेंड चीज़ है जो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एक छोटी सी ट्रिक बताऊँगा। अब समझो आप किसी भी चीज़ से दूर भाग रहे हो तो वो आपके वो जो पर्टिकुलर चीज़ होती है ना, वो आपके पीछे आ ही जाती है, क्योंकि ये रूल है यार, हम जिस चीज़ से दूर भागते हैं वो हमारे पीछे ही आ ही जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सोचा है, आप कंटिन्यू सोच रहे हो कि यार नहीं नहीं मेरे को आइसक्रीम नहीं खानी है, आज मेरे को आइसक्रीम नहीं खानी है, जंक फूड के मामले में आज मेरे को आइसक्रीम नहीं खानी है, लेकिन वो आपके दिमाग में आइसक्रीम की पिक्चर इतनी जूम हो जाएगी कि आप एंड अप करोगे आइसक्रीम खाते हुए। तो हमें किसी भी चीज़ को ये नहीं सोचना है कि आज हमें ये नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। इंस्टेड हमें उस चीज़ को ऐसे देखना है कि हमें अगर आइसक्रीम खानी है तो आज मुझे उस आइसक्रीम को अर्न करना होगा, अगर आज मुझे बर्गर खाना है तो मुझे उस बर्गर को कमाना पड़ेगा। अब आप कमाओगे कैसे, आप पहले अपना ये तो आपका माइंड का हो गया कि माइंड को सेटिस्फाई करने वाली बात हो गई कि आपको आइसक्रीम खानी है, आपको बर्गर खाना है। तो माइंड को सेटिस्फाई करने से पहले आप अपनी बॉडी को सेटिस्फाई करो। बॉडी को कैसे सेटिस्फाई करोगे, अच्छी चीज़ें खाकर। बॉडी को अच्छी चीज़ चाहिए, बॉडी को प्रोटीन चाहिए, बॉडी को फाइबर डाइट चाहिए। आप वेजिटेबल्स पहले खा लो, आप अपना दाल जो भी हाई प्रोटीन फूड घर पे बना है, दाल बनी है, रोटी बनी है, पहले वो खा लो। आप ये सैलड खा लो, उसके बाद आप आइसक्रीम पे जाओगे तो होगा यूँ कि आपका ऑलरेडी काफ़ी तो स्टमक भरा हुआ होगा और वो आइसक्रीम आपने अचीव की होगी, आपने वो आइसक्रीम को कमाया होगा या तो वो बर्गर को कमाया होगा। तो पहले आपको अच्छी चीज़ें खानी है, उसके बाद ही आपको जो भी जंक खाना है खाओ। अगर क्योंकि ये रूल है, अगर आप सोचोगे नहीं नहीं आज मेरे को ये नहीं खाना नहीं खाना, तो आप एंड अप करोगे खा कर ही। तो ये चीज़ ट्राई करो। तो थर्ड तो ट्रिक ये है कि आपको अपने बॉडी में जो मसल का परसेंटेज है वो ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे नंबर वन रीज़न कि मसल को मेंटेन रखने के लिए वो मसल क्या करता है, कैलरीज एब्जॉर्ब करता है। तो मतलब अगर समझो आपने वर्कआउट किया है, उसके बाद अगर आप रेस्ट कर रहे हो, आप सो भी रहे हो, तो मसल कैलरीज लेता जा रहा है बॉडी से। तो मतलब आपके रेस्टिंग फेस में भी है ना, आप रेस्ट भी कर रहे हो तो आपका फैट बर्न हो रहा है। तो ये सबसे मेजर रीज़न है क्यों मसल्स अगर ज़्यादा रहता है तो फैट अपने आप ही कम हो जाता है। तो तीसरी तो चीज़ आपको यही करनी पड़ेगी। मसल कैसे बढ़ेगा, मसल बढ़ेगा हाई प्रोटीन लेना होगा आपको। हाई प्रोटीन किस किस चीज़ में, अगर आप वेजिटेरियन हो तो मैंने पहले भी लिस्ट ऑफ फूड्स बताया हुआ है, लेकिन फिर एक बार बता दूंगा, आप दाल ले सकते हो, राजमा ले सकते हो, पनीर ले सकते हो,
और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग्स, चिकन और वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ों में प्रोटीन है, तो आपको हाई प्रोटीन रखना पड़ेगा। फाइबर भी आप अच्छा रखोगे तो वो भी आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस ये तीन मेजर मेरे को आज के वीडियो में टैप करना था पॉइंट्स को। मैं पार्ट टू में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आऊँगा और आपको मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग को भी इंट्रोड्यूस करूँगा और उसके बारे में भी डिटेल बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप सिर्फ देख के चलते बनते हो। और अगर ज़्यादा ही पसंद आ गया तो शेयर कर लो। अस्ता ला वीस्ता।